सो अकेले बैठकर क्या कर रहे हैं जनाब यहाँ? क्यों, तुम्हें हर बात बतानी जरूरी है क्या? ठीक है, मत बताओ। अच्छा अंबर, मैं तुम्हारी मनपसंद कोल्ड कॉफी बनाऊं? जाओ बनाकर लाओ। ये लो तुम्हारी मनपसंद कॉफी। वाओ, वैसे तुम जब भी मेरी कॉफी बना के लाती हो ना, तो बहुत अच्छी बना के लाती हो। अच्छा अभी तारीफ मत करो, पियो पहले। क्या हो रहा है? दोनों क्या बातें कर रहे हो? गुंजा ने मेरे लिए कोल्ड कॉफी बनाई है, वही पी रहा हूँ। ओह रियली? वेल, कोल्ड कॉफी तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो तुम ही पी लो। इट्स ओके, ये तुम पी रहे थे ना? गुंजन और बना लेगी, है ना? क्यों गुंजन? नहीं, मुझे घर के और भी काम करने। इट्स ओके गुंजन, यू डोंट हैव टू वरी। मैं और अंबर एक ही कॉफी में से शेयर कर लेंगे। That's a great idea. आज आने में बहुत देर हो गई भैया। हाँ, वो एक जरूरी मीटिंग थी। सब लोग कहाँ हैं? सब लोग यहीं तो हैं भैया। मेरा मतलब है वो फातिमा भी कहाँ है? फातिमा भी यहीं है और अच्छी है, लेकिन भैया भाभी बहुत दुखी है। भैया हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। उसी तरह हर रंग के भी दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। अब ये हमारे ऊपर है कि हम रंग के कौन से पहलू को देखना चाहते हैं। हम तो यही कहेंगे कि हमें खुशी को चुनना चाहिए, क्योंकि जीवन में बहुत से दुख होते हैं और खुशियां बहुत कम। तो फिर दुख को क्यों बढ़ाना? और भैया, भाभी ने कुछ ही दिनों में अपने आप को आपके मुताबिक ढाल लिया है। वो बेचारी उस सफेद रंग के काले पहलू के बारे में कहाँ जानती थी? वो तो सिर्फ आपकी खुशी के लिए वो तोहफा लाई थी। काश भैया उस तोहफे के रंग की बजाय उसमें छिपे भाभी के प्यार को देखा होता भैया। सुना था बच्चों में मां बाप की परछाई नजर आती है। लेकिन आज तो तुझमें साक्षात अम्मा नजर आ रही है। तू ठीक कहती है बहनों, हम
गुस्से में इतने पागल हो गए थे कि हमें इस बात का एहसास ही नहीं था कि नीलिमा इतने प्यार से एक तोहफा लाई थी हमारे लिए। वो प्यार भरा तोहफा हम देख ही नहीं पाए। सच ये गुस्सा बहुत खराब होता है। हम तुमसे वादा करते हैं आज के बाद हम ध्यान रखेंगे कि गुस्सा हमें पागल नहीं बना दे। चले भैया खाना तैयार है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, हम खाना लगाते हैं। कम से कम उन्हें उस बात की सजा तो मत दीजिए जिस बात के बारे में उन्हें पता ही नहीं था। उस तोहफे के रंग की बजाय उसमें छिपे भाभी के प्यार को दिखाओ था भैया। फिर से बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। बिना कुछ किए ही सब कुछ अच्छा जा रहा था, पर ये नंदिनी, उसने नीलिमा को भी मना लिया और बलराज को भी। इस नंदिनी का तो जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। नीचे भी नहीं थी और अब यहां भी नहीं है। आखिर नीलिमा है कहां? सुनो जी मालिक, नीलिमा। राजा बेटा जल्दी आ जाओ, खाना लग चुका है। आया फातिमा भी। मालिक आप कुछ कह रहे थे? नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ। जी मालिक। सूरज पूरब की जगह पश्चिम से तो नहीं उगा है ना? नहीं, वो अंबर भैया आज हमारे साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। क्या बात है भैया, आज आपको कोई पार्टी में नहीं जाना है? नंदिनी, तुम्हारी तीर्थ यात्रा पे जाने के बाद अंबर थोड़े बदल गए हैं। आजकल खाना घर पर भी खाते हैं। या वो क्या है ना कि रोज रोज बाहर का खाना खाकर तंग आ गया था, अब सोचा कुछ दिन घर का खाना खा लूं। You know, just for a change. Change. और आप अंबर भैया ठीक ठीक बताइए क्या बात है? माफी चाहते फातिमा भी, खाने पर आने में थोड़ा देर हो गई। अरे वाह, आज तो खाने का खुशबू बहुत अच्छा है। अगर खुशबू इतना अच्छा है तो स्वाद कितना अच्छा होगा। हाँ हाँ, बीवी के हाथ का पकाया खाना कमाल का होता है। आज सारा खाना नीलिमा ने बनाया है, किसी को किचन में झांकने भी नहीं दिया। नीलिमा कहाँ है? हमारा मतलब है वो रसोई में कुछ और पका तो नहीं रही है? बेटा वो तुम्हारे सामने आकर तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती, इसीलिए वो कतरा रही है यहाँ आने से। उसके लिए तुम्हारी खुशी सबसे बड़ी खुशी है। चल मुख खोल। अरे मुख खोलना नंदिनी, क्या बात है? क्या बात है नंदिनी,
भैया, भाभी ने आज सुबह से कुछ नहीं खाया, इसीलिए इस निवाले पर पहला हक भाभी का है। आप पहले उन्हें खिलाइए। हम दिल से चाहते हैं कि ये पहला निवाला आप भाभी को खिलाएं। समझने की कोशिश कीजिए भैया, हर रिश्ते में हक का होना बहुत जरूरी होता है। अगर ये हक आप भाभी को नहीं देंगे तो आपका और भाभी का रिश्ता पूरा नहीं होगा, अधूरा कहलाएगा। राजा भैया, आज भाभी बहुत उदास है, इस समय सबसे ज्यादा उन्हें आपकी जरूरत है। इस समय आप भाभी का साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा? भैया आप प्लीज भाभी को मना लीजिए। हाँ राजा, पहले निवाले पे नीलिमा का हक है। हे भगवान, भैया और भाभी पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा, इनके बीच कोई दूरी, कोई गलतफहमी कभी ना आए और इनका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। तुमसे माफी मांगने आए हैं नीलिमा। आज सुबह गुस्से में हमने तुम्हें जो भला बुरा कह दिया उसके लिए हम माफी मांगने आए हैं। हम करते भी तो कहा करते हैं, जब से हो संभाला है हम अंबर और नंदनी के भाई बने हुए हैं। कोई रिश्ता या रिश्तेदार कभी हमारे जीवन में नहीं आया, हमने अपनी दुनिया अपने हिसाब से नंदनी और अंबर के लिए बनाई थी। अपने और नंदनी के भावनाओं को देखते हुए अपने जीवन को सजाया। हम तो ये भूल ही गए थे कि तुम ये घर और हमारे जीवन के साथ जुड़ गई हो। काश उस कुर्ते के रंग के बजाय हम उस कुर्ते से जुड़ी हुई तुम्हारी भावनाओं को समझ पाते। नंदनी से पहले हमारे जीवन में और कुछ नहीं था। तुम्हारा हमारे जीवन में आ जाने से एकाएक जो बदलाव आया है उसमें ढलने के लिए थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन हम तुमसे वादा करते हैं समय के साथ ढलने की हम पूरी कोशिश करेंगे। हमें माफ कर दो। माफ कर दो। ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसा मत कीजिए। देखो, अगर तुम हमें माफ नहीं करोगी तो हम कान पकड़ के तुमसे माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो। ऐसा मत कीजिए, आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। नंदनी कह रही थी कि
सुबह से कुछ खाया नहीं? तो चलो हमारे हाथ से ही नवाला खाकर अपना ही व्रत तोड़ दो। देखो अगर तुम हमारे हाथ का नवाला नहीं खाओगी तो हम ये मानेंगे कि तुमने हमें माफ नहीं किया। नंदिनी ने आपके हाथ से पहला नवाला खाया? नहीं, उसने मना कर दिया। वो कह रही थी कि इस पहले निवाले का हक तो भाभी का है, कम से कम हमारे लिए तो नहीं, नंदिनी के लिए तो खा लो। नहीं, मैं ये नहीं खा सकती। पहले निवाले का हक सिर्फ नंदिनी का है, तो मैं ये कैसे खा सकती हूँ? और ये तो इस घर में सालों से होता आ रहा है, ये इस घर की रीत है। और इस घर की बहू होने के नाते मैं ये रीत नहीं तोड़ सकती। मैं आपकी पत्नी हूं, हर कदम पर आपका साथ दूंगी। आप पर पहला हक नंदिनी का है और ये हमेशा उसी का रहेगा। मैं नंदिनी का हक आपसे छीन लूंगी, ये आपने सोचा भी कैसे? ये हमेशा वैसे ही रहेगा। और माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैंने आपका दिल दुखाया है। मुझे नहीं पता था कि आपको सफेद रंग क्यों नहीं पसंद, वरना मैं ये गलती कभी नहीं करती। नहीं नीलिमा, गलती तुम्हारी नहीं थी, हम सब कुछ अपने ही नजरिए से देख रहे थे। और फिर सबके सामने हमने तुम्हारा अपमान कर दिया। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, और अगर होगा तो तुम जो सजा दोगी हमें मंजूर है। बस आज हमें माफ कर दो। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। नहीं नीलिमा, तुम हमें माफ कर दो। अगर हम यूं ही आपस में माफी मांगते रहे तो वहां बाहर नंदिनी भूखी रह जाएगी। आप चलिए, पहले नंदिनी को खिला दीजिए, फिर हम साथ में बैठ के खाते हैं। धन्यवाद, माफी, ये सब पति पत्नी के बीच में नहीं होता। पति पत्नी के बीच में तो सिर्फ समझदारी होती है।